कानपुर टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया मजबूत, बांग्लादेश पर मंडराया हार का खतरा। दूसरी पारी में बांग्लादेश ने 26 रन पर गवाए 2 विकेट। दूसरी पारी में अश्विन को 2 विकेट। बांग्लादेश से 26 रन पीछे भारत से 26 रन पीछे बांग्लादेश। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया ने 9 विकेट खोकर पहली पारी में 285 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर बनाई 52 रन की बढ़त। कानपुर टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 233 रनों पर सिमटी। मोमिनुल हक ने खेली 194 गेंद पर 107 रन की शतकीय पारी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने झटके 3 अहम विकेट। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और आर अश्विन ने लिए 2-2 विकेट। रविंद्र जडेजा को मिली एक कामयाबी। कानपुर टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। 3 ओवर्स में बनाए 51 रन। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक शुरुआत। टीम इंडिया ने टेस्ट में सबसे तेज 100 रनों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। भारत ने 10.1 ओवरों में किया कारनामा। रोहित के आउट होने के बाद गिल ने दिया यशस्वी का साथ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कानपुर टेस्ट की पहली पारी में बनाए 11 गेंद पर 23 रन। पारी के दौरान रोहित ने लगाए 3 छक्के और 1 चौका। मेहदी हसन मिराज ने किया रोहित को आउट। यशस्वी जायसवाल ने कानपुर टेस्ट में जड़ा अर्धशतक। 51 गेंद पर 72 रन की पारी खेली। पारी के दौरान यशस्वी ने 2 छक्के और 12 चौके जमाए। शुभमन गिल ने कानपुर टेस्ट की पहली पारी में बनाया 39 रन का स्कोर। पारी के दौरान 1 छक्का और 4 चौके जड़े। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी। चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत ने कानपुर टेस्ट में किया निराश। 11 गेंद पर खेली 9 रन की पारी। 300 विकेट के साथ जडेजा ने बनाया खास रिकॉर्ड। जडेजा पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हासिल किए 300 विकेट। जडेजा से पहले ये कारनामा भीषण सिंह बेदी के नाम दर्ज था। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने कसी कमर। 1 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच भारतीय समयानुसार 7:30 बजे होगा। टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का पहला मुकाबला 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मुकाबला। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने आरसीबी को लेकर रखी अपनी राय। कहा आरसीबी सिर्फ विराट कोहली को करेगी रिटेन, बाकी सभी खिलाड़ियों को करेगी टीम से रिलीज। आईपीएल सीजन 17 में विराट कोहली ने मचाया था बल्ले से धमाल। 15 मैचों में बनाए थे 741 रन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने दिया हार्दिक पांड्या पर बड़ा बयान। कहा मुंबई इंडियंस करे हार्दिक पांड्या को रिलीज, आरटीएम के जरिए हार्दिक को फिर टीम के साथ जोड़े। अजय जडेजा के मुताबिक हार्दिक पांड्या को रिटेन करने के बजाय आरटीएम का इस्तेमाल करे मुंबई। जडेजा ने आगे कहा रोहित, सूर्यकुमार और बुमराह को रिटेन करे मुंबई। 1 अक्टूबर को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला जाएगा ईरानी कप का मुकाबला। मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच टक्कर। मुंबई की कमान अजिंक्य रहाणे के पास। मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच ईरानी कप का मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। रेस्ट ऑफ इंडिया की कमान ऋतुराज गायकवाड़ के पास।